बात करेंगे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पदयात्रा की, जो तीसरे दिन टेकनपुर और डबरा अंचल से होकर गुजरी, जहां पर मंत्री तोमर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही बिजली व्यवस्था का जायजा भी लिया और इस दौरान मंत्री तोमर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस पर बधाई दी। उस पार्टी का जिन हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में आधारशिला रखी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका सोच था कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। वहीं प्रदेश में लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। जी हां, प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को मिनिमम चार्ज और आपको बता दें फिक्स चार्ज का बोझ भी उठाना पड़ेगा। अब बिजली ना जलाने पर भी कम से कम 125 रुपये से 139 रुपये आपको देने ही होंगे। न्यूनतम चार्ज के नाम पर शहरी क्षेत्र की जनता पर 69 रुपये जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता पर 55 रुपये का चार्ज लगाया गया है। इसके साथ ही साथ न्यूनतम एनर्जी चार्ज के रूप में 70 रुपये निर्धारित किए गए। शहरी बिजली उपभोक्ता को कम से कम 139 रुपये और ग्रामीण बिजली उपभोक्ता को कम से कम 125 रुपये हर महीने बिजली का बिल तो देना ही होगा। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर नर्सिंग परीक्षा में बड़ी ही धांधली देखने को मिली है, जहां पर प्रैक्टिकल के एग्जाम में बड़ी संख्या में छात्र जमकर नकल करते हुए नजर आए हैं। जयरोग अस्पताल में प्रैक्टिकल की परीक्षा यहां पर हो रही थी, जहां परीक्षार्थी मोबाइल फोन पर और एक दूसरे की कॉपी देखकर बेझिझक नकल करते हुए नजर आए। बीते मंगलवार को आयोजित मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की GNM की प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा का ये नजारा है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक हुई प्रैक्टिकल परीक्षा में नकल हावी रही। वहीं प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि JAH में प्रायोगिक परीक्षा का सेंटर है, लेकिन परीक्षा में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हम इसकी रिपोर्ट भोपाल भेजेंगे। देखिए, ये पूरा वाक्य मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 236 बच्चों की जिम्मेदारी थी प्रैक्टिकल कराने की, जिसमें हमें आदेश दिए गए थे कि हम उन्हें जगह चिन्हित करा दी जाए। हमने उन्हें जगह चिन्हित करा दी गई थी। सिर्फ 236 बच्चों के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल बन के बाहर से टीम आई थी, वो उन्होंने सफल उनके प्रैक्टिकल करा लिए हों और बच्चों के प्रैक्टिकल आज खत्म हो गए। जो बच्चे बाहर, जिनकी फोटो मीडिया में छपी है और मुझे पता चला, वो बच्चे कहाँ से आए और किन्होंने उनको परमिशन दी प्रैक्टिकल की, ये मेरे संज्ञान में नहीं है।